रहे हो। फिर एक दोबारा आया हूँ ना, फिर इसको इसमें आ रहे हैं ना। हाँ इसमें आ रहा है ना, कमेंट्स देखना, कमेंट किसमें आएंगे, चैट में या किसी में। निशांत राजपूत दिखाई पड़ रहा है मुझे इसमें। हाँ निशांत राजपूत दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट, अभी आ रहा है। ठीक है, मुझे कमेंट्स जो होंगे मुझे मुझे फोन में दिखाई पड़ जाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आइए इसको वहीं रहने देना, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स को वहीं रहने दो ना, कमेंट बॉक्स चेक करते रहना, इधर इधर छोड़ो। और कमेंट बॉक्स में कुछ डालना होगा तो वहां से डालते रहना। तो जैसा कि प्रॉमिस किया गया था पहले ही कि हम लोग आज मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, वो भी स्पॉन्सरशिप के लिए। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एंग्लो ईस्टर्न का पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, एंग्लो ईस्टर्न का मैथमेटिक्स का पुराना पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने ये बोला था कि इस वीक से हम लोग अल्टरनेट डेज में लाइव करेंगे। तो आज जैसे मैथ्स का लाइव है, तो कल नहीं परसों जो होगा वो फिजिक्स का लाइव होगा, और सैटरडे को जो होगा वो केमिस्ट्री का लाइव होगा। और उसमें हम यही वाले स्पॉन्सरशिप वाले रिटर्न पेपर सॉल्व करवाते जाएंगे। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पहले एंग्लो ईस्टर्न में आ चुके हैं प्रीवियसली। तो जो भी अलग अलग स्टूडेंट्स ने मुझे अरेंज करके क्वेश्चन दिए हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। हो सकता है आपको दिखे ना ढंग से, तो उसके लिए परेशान मत होना, मैं पूरा बताते जाऊंगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नया ऐप भी बन चुका है अपना, तो उसको कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, ये लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज थ्री फेसेस, रेक्टेंगुलर सॉलिड है उसके तीन फेसेस हैं जिनका एरिया है 28, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ 28, 20 एंड 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अगर आप लोग ऐसे देखोगे ना कि रेक्टेंगुलर सॉलिड, तो बेसिकली वो क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर सॉलिड इज क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड हो गया जिसकी लेंथ, ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो अब तीन फेसेस का एरिया उसने दे दिया है, मतलब सपोज करो कि उसने हमें दे दिया एल बी दैट इज 28, बी एच दैट इज 20 और एल एच दैट इज 35। ये तीन चीजें उसने हमें पहले से ही दे रखी है। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग फर्दर। तो ये तीन चीजें उसने हमें पहले से ही दे रखी है। अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। अगर ध्यान से देखोगे तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकाल दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम इसका अंडर रूट निकाल दें तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वैसे, अगर तीन एरिया दिए हो, तीनों सरफेस का एरिया दिया हो या तीनों फेसेस का एरिया दिया हो, उसको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लोगे। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ रहा होगा, स्क्वायर रूट लोगे तो उसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एंग्लो ईस्टर्न का क्वेश्चन इस पे पहले आया हुआ और आप इसको यहाँ सॉल्व कर। देन आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सभी लोगों को, मैं वेट ही कर रहा था। थैंक्स फॉर दिस लेक्चर बकेश, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो ये जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं ना, तुम्हारी तो चांदी होने वाली है क्योंकि तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री डक्स एंड टू डकलिंग्स
ये लिखा हुआ है 3 ducks and 2 ducklings weigh 32 kg. तो अगर मैं डक का वेट मान लेता हूं यहाँ पे, सपोज डक का वेट है x और डकलिंग का वेट है, डकलिंग मतलब वो बतख का बच्चा का वेट है y, तो बोल रहा है कि 3 duck and 2 ducklings का वेट है 32 kg, और बोल रहा है आगे बोल रहा है 4 ducks and 5 ducklings इनका वेट है 44 kg. तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है. साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व की जा सकती है यार, तुम्हें 8th 9th 10th में तुमने ढंग से पढ़ा हुआ है पहले से ही. ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करो और देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है एंग्लो ईस्टर्न में. सबसे अच्छी समझने वाली बात यह है कि एंग्लो ईस्टर्न में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है जो हमने 8th 9th 10th में पढ़ा है. अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा. वो क्या बोल रहा है, ऑल डक्स वे द सेम एंड ऑल डकलिंग्स वे द सेम, व्हाट इज द वेट ऑफ 2 ducks and 1 duckling. तो हमें क्या निकालना है, 2 ducks and 1 duckling यानी कि 2x + y का वैल्यू निकालना है हमें. यहां से हमें वैल्यू निकालना है 2x + y. तो अब तो आराम से निकाला जा सकता है यार, इन दोनों को सॉल्व करो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. सर क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि अगर 10-11 के बेसिक मजबूत कर गए तो क्लैक. हाँ बिल्कुल भाई, अगर आप 11th 12th या 10th के भी बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो भी ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा मतलब एक्चुअली क्या ना कि बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे तो वो बहुत अजीब सा दिख रहा होगा, बट मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल, जैसा कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया गया है. ट्राइंगल है ये ABC, ये अपना ABC वाला ट्राइंगल है, ठीक है. उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हाट इज द पैरीमीटर. तो देखो पैरीमीटर निकालने के लिए उसने कुछ कुछ चीजें बताई है. ये पॉइंट रखा है D, ये है E और ये है F. उसने AD का जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू उसने दिया है 2. फिर उसने BE का वैल्यू दिया है 3 और CF का वैल्यू दिया है 4. ये वैल्यूज उसने दे रखे हैं और वो पैरीमीटर पूछ रहा है. तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा यूज होता है यहाँ पे कि अगर किसी सर्कल पे बाहरी पॉइंट से हम टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है. अगर ये लेंथ 2 है तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ भी कितना होगा, 2. उसी तरीके से अगर ये वाला 3 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 3. और ये 4 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 4. अब आपको पेरीमीटर निकालना है, साइड लेंथ निकाल लो. इस साइड का लेंथ कितना आ रहा है, 6. इसका आ रहा है 7 और इसका आ रहा है 5. तो 5 + 6 + 7 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. बिल्कुल सिंपल सा केस है, ठीक है. देखो यहाँ पे कोई एक आ गया भाई, ये लड़कियों की सप्लाई कर रहा है दल्ला, इसको कटो यहाँ से. तो इस पे जाओ, रिपोर्ट करो उसको पोर्नोग्राफी के लिए. हाँ पोर्नोग्राफी के लिए करो पोर्नो. ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं दलाल लोग, ठीक है. नाउ आगे चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, अगर आप लोगों ने 11th में थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा. देखो उसने क्या लिखा हुआ, t = √(-1), t = √(-1). ये बेसिकली आयोटा, आई पढ़ा होगा ना आयोटा, ये वही है आयोटा है. अब वो बोल रहा व्हाट इज, तो आप इसको टी लिखो आई लिखो आपकी मर्जी है ये सब आपकी मर्जी है. इसको थोड़ी देर के लिए वो करो, म्यूट करो, मेरे पास ही फोन. अब वो बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 - i. अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, बिल्कुल बेसिक बोर्ड का क्वेश्चन है, तो वो बनता है 1/5 - i. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही हो. लेकिन अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हमें इसको एक कॉन्जुगेट यानी कि 5 + i से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. तो जब आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5 + i और नीचे यहाँ पे a - b a + b करोगे तो आ जाएगा 25 - i² इट विल बी 5 + i और 25 - i² करोगे तो +1 बन जाएगा. तो ये 5 + 1 / 26 आ रहा होगा. तो यहाँ पे ये 5 + t / 26 आ रहा. देखो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल बहुत आसान सी चीज़ है.
अगर आपने 11th में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है तो आपको ये बहुत आराम से समझ में भी आएगा, ठीक है। या अगर आपके आपको इसके इलाबोरेटेड लेक्चर्स देखने होंगे तो आप डेफिनेटली प्रज्ञा कोर्सेज में जा सकते हो यार, प्रज्ञा कोर्सेज मैंने बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे डाल दिए हैं, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मैंने डाल दिए प्रज्ञा कोर्सेज, तो आप उसको देख सकते हो वहां जाकर के। स्पॉन्सरशिप के लिए भी है और IMUCT के लिए भी है, जिसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इवन ये जो पेपर जहां से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, इस तरीके के 3-4 पेपर का पूरा सोल्यूशन है प्रज्ञा कोर्सेज, तो जो रिसेंटली अभी देने वाले हैं एंग्लो ईस्टर्न, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सीरियल कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द हाइट ऑफ इट्स बॉक्सेस। एक सीरियल कंपनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल कंपनी, तो सीरियल कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द हाइट ऑफ इट्स बॉक्सेस बाय 30%। मतलब कोई ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स रहा होगा उसके पास, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स उसके पास रहा होगा, तो वो क्या बोल रहा है कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का हाइट, हाइट मतलब कि ये हाइट को वो कितना बढ़ाना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है 30%, और उसकी विड्थ, विड्थ मतलब कि ये W, तो वो बोल रहा है कि रिड्यूस द विड्थ इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम वॉल्यूम। मतलब हाइट बढ़ाना चाहता है, विड्थ कम करना चाहता है ताकि वॉल्यूम उसका बना रहे। अगर उसकी इनिशियली लेंथ, हाइट और विड्थ ये है, तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू विड्थ इफ द लेंथ स्टेज सेम। तो देखो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करना है ना, तो पहले वाला वॉल्यूम कितना होगा, 20 × 40 × 30। ये डेटा उसने दिया हुआ है यहाँ पे, 20, 40, 30 दिया था, मैंने वही रख दिया। लेंथ उसको सेम रखनी है, मैं लेंथ सेम रखूंगा। हाइट वो कितनी बढ़ा रहा है, 30% की हाइट बढ़ा रहा है, तो अगर पहले वो एच थी तो बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी, एच का 30%, यानी कि इतना, और एच का वैल्यू उसने दिया था 40, तो अगर आप यहाँ पे डालोगे एच का वैल्यू, तो वो एच का वैल्यू क्या जाएगा, 40 × 1+3/10। और अब मैं निकाल लेता हूं कि अब उसका विड्थ कितना होगा, ठीक है, वो पूछ रहा है ना व्हाट विल बी द न्यू विड्थ, तो विड्थ निकालना है, तो मैंने उसको डाल दिया W, 20 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 40 इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, अब हमें क्या दिख रहा है, 30 = सिंप्लीफाई करोगे तो 13/10, 13/10 × H, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी 300/13, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एच का वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, एंड आई होप दिस इज क्लियर। आजाद हूं यार, देखो उसी के लिए तो, फाइनेंशियल इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए ही मैंने प्रज्ञा कोर्स बनाया है। ये कोई बहुत बड़ा 50-60 हजार का कोर्स नहीं है यार, 6-7 हजार का कोर्स है, इससे ज्यादा का कोर्स भी नहीं है। बड़े कोर्स होंगे तो वैसे भी मैं तुम्हें नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर ऐसा है कि 6-7 हजार में अगर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि आप जब वहां भी जाओगे तो भी आपकी 4-5 लाख फीस तो DNS में ही लग जाएगी, 6-7 लाख के आसपास कम से कम, तो वो तो वैसे ही मैनेज करोगे। 7 हजार में अगर वो चीज सिक्योर हो रही है तो मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ 5 और 6, ध्यान से देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड की लेंथ जो है वो है 5 और 6, ये हो गई 5, ये हो गई 6, तीसरे साइड की लेंथ मुझे पता नहीं है, तो बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कुड बी, पेरीमीटर उसका क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो अगर ये दो साइड अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हमेशा थर्ड वन से ग्रेटर ही आएगा, मतलब ये जो एल है इसका वैल्यू हमेशा 11 से लेसर होना चाहिए। अब अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर क्या होगा, 5, एक साइड हो गई ये, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो 5 + 6 + L, 5 + 6 तो 11 था, 11 + L, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे L का वैल्यू लेस देन 11 डालता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरीमीटर कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे अगर इसमें ही इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन नंबर 1 में आप दोनों साइड पे 11 ऐड कर दो तो 11 + L कैसा होगा, लेस देन 22 हो जाना चाहिए, क्योंकि इधर भी 11 ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा, तो वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 22, लेस देन 22 हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इक्वल टू 11 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 6 में तो दो साइड का ही सम 11 हो गया है, तो L का वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो
हमारे पास क्या आ रहा होगा, वो आएगा हमारे पास 15, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर किसी और को इनके अलावा और कोई डाउट आते हैं कि स्पॉन्सरशिप का एग्जाम कहाँ है, कैसे है, क्या करना है, कैसे देना है, नंबर्स यार इसमें डलवा दिए हैं मैंने, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो 9140191138 पे, या ऐप पे जाकर के इंक्वायरी कर सकते हो। एक दूसरा ऐप भी मैंने लॉन्च किया है, थोड़ी देर के बाद मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, उस पर भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि दूसरा ऐप मैं अपने लिए ही बनवा रहा हूँ, अच्छा ऐप है, और उसमें यूट्यूब का जो फ्री वाला सेक्शन है वो सारा सारा वहाँ पे हो, ये जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं ना जो फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे के सारे वहाँ पे होंगे, आपको फ्री में इतना मिल जाएगा कि आप काफ़ी मेहनत कर, अगर मेहनत कर रहे हो तो आप आराम से निकाल लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन चाहिए तो आप वो प्रज्ञा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको चाहिए फुल अटेंशन तो आप हमारे क्लास ऑफलाइन आकर के ज्वाइन कर। एनीवे, अभी यहाँ पे देखते हैं, अ क्लिफ एंड अ टावर आर बेस्ड ऑन द सेम ग्राउंड लेवल। अब देखो जरा ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है कि यहाँ पे कहीं क्लिफ है, यहाँ पे एक टावर है, दोनों सेम ग्राउंड लेवल पे है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 25 मीटर हाई, ये 25 मीटर हाइट की क्लिफ है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, वो ये बोल रहा है इस क्वेश्चन, और ये हाइट दी हुई है क्लिफ की हाइट, ये क्लिफ है, यहाँ ये क्लिफ है और ये टावर है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि टावर का हाइट कितना होगा, हमें ये बताना है कि टावर का हाइट कितना होगा। तो भाई देखो, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि अगर आपको यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है ये 25 है, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इतना देखो कि ये वाला ट्राइंगल, इसका नाम दे देता हूं मैं, ये सपोज ए बी सी और ये है ए डी ई, तो ये ए बी सी और ये ए डी ई, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हुए ना, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल 90 डिग्री दोनों में कॉमन ही है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन ही है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, और कॉन्ग्रुएंट हुए तो अगर ये 25 है तो ऑब्वियसली ये भी 25 होगा। आप देखो 25 + 25 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50, 25 + 25 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये अभी रिसेंटली पूछा गया है एंग्लो ईस्टर्न में, काफी सही क्वेश्चन है और रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है। फिर से देख लो अगर ये वाला क्वेश्चन एक बार और देखना चाहते हो तो, एक बार ध्यान से ये वाला क्वेश्चन और देख लो, अ क्लिफ एंड अ टावर आर बेस्ड ऑन द सेम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल सेम है इन दोनों का, ठीक है। यहां से क्या है कि वो बोल रहा है कि ये क्लिफ है पहाड़ी और ये है टावर, पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के अगर हम टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो वो हमें मिल रहा है अल्फा, और अगर इसी का ही हम लोग ये जो टावर है इसके बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, मतलब ये वाला एंगल, तो ये भी आ रहा है अल्फा, तो यहां भी क्या आ जाएगा अल्फा, तो अब ये भी अल्फा आ गया, तो हमने क्या किया, हमने दो ट्राइंगल बना लिए हैं, दो ट्राइंगल बना लिए हैं, मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, एक ट्राइंगल बनाया है ये वाला ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल बनाया है ए डी ई, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, मुझे यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ट्राइंगल वाला, ओके, तो ट्राइंगल वाला अगर क्वेश्चन देखोगे तो वो देखो क्या है, ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि इसकी दो साइड दी हुई थी, 5 और 6 दी हुई थी, मैंने एक कंसेप्ट यूज किया है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, ये कंसेप्ट है, ये छोटी सी थ्योरम होती है, तो 5 + 6 का वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन एल, तो अगर हम एल की कंडीशन निकालेंगे तो एल जो है दैट इज लेस देन 11, ये आने वाला है, और वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया पेरीमीटर क्या होगी ट्राइंगल की, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर अगर आप देखोगे तो 5 + 6 + L होनी चाहिए, 5 + 6 + L, बेसिकली पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगी 11 + L, और L के ऊपर कंडीशन है कि L less than 11 है, अगर मैं इसी इक्वेशन में दोनों साइड 11 ऐड कर देता हूं तो 11 + L कैसा हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 22, तो ऑप्शन में लेस देन 22 वाला एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, 15, 11 भी दिख रहा है, लेकिन 11 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि
दो साइड को ऐड करने के बाद ही 11 आ रहा है, तीसरी साइड तो ऐड करेंगे तो 11 से तो थोड़ा ज्यादा आएगा ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आजाद हूं यार, तेरा नाम नहीं पता है भाई मुझे, अगर क्लियर है तो जल्दी से बोल दे कि हाँ क्लियर है, फिर आगे चल रहे हैं। अ मैन इज रोइंग हिज बोट अवे फ्रॉम अ क्लिफ, अ मैन इज रोइंग हिज रो बोट अवे फ्रॉम अ क्लिफ। तो सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ पे कहीं क्लिफ है अपने पास, ये कलर कुछ दूसरा यूज कर, ये है क्लिफ। एक इंसान है जो अपनी नाव को जो है क्लिफ से दूर लेकर के जा रहा है, पहले नाव यहाँ पे कहीं थी, अब दूर लेकर के आ गया यहाँ पे, ठीक है। विद इन वन आवर ऑफ रोइंग, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसने एक घंटे में ट्रेवल किया है, विद इन वन आवर ऑफ रोइंग इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लिफ एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बोट रिड्यूसेस फ्रॉम 60 डिग्री टू, मतलब पहले यहाँ पे 60 डिग्री था, अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आते आते ये क्या हो गया है, ये 45, ये हो गया है 45 डिग्री, इतना हो गया है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि बताओ बोट का स्पीड क्या है, यहाँ से एक घंटे के अंदर ये हो गया है, तो बताओ बोट का स्पीड क्या है, और क्लिफ की हाइट दी हुई है ये 150 मीटर हाई है, दिस इज 150 मीटर हाई। तो देखो हमने क्या किया, हमने इसको ले लिया है x, और ये जो एक घंटे में इसने डिस्टेंस चला ना, इसको ले लिया हमने y, ठीक है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में ही वो लगाएं tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या आ जाएगा, ये 150, इट्स नॉट डिग्री, गलती से लिख दिया 150, क्या लिया 150 मीटर दिया होगा मेरे ख्याल से, 150 मीटर दिया था, तो 150 अपॉन आएगा x, और अगर आप यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी 150 अपॉन, और दूसरे केस में हम लगाएंगे tan 45 डिग्री, जब दूसरे ट्राइंगल के लिए लगाओगे, मतलब कि सपोज इसका नाम दे दिया हमने a b, जब मैं a b d में लगाऊंगा tan 45 डिग्री में तो आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय x प्लस, अब tan 45 पे 1 होता है तो x प्लस y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 150 माइनस x, तो 150 माइनस 150 भाई रूट ये आ गया y का वैल्यू। अगर वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई इसका स्पीड क्या मीटर पर आर में ही दे पूछ रहा है, तो स्पीड निकालोगे तो स्पीड निकालना तो सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे, तो स्पीड कितना आने लगेगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम है 1 आवर, तो यही आ गया आंसर। यहां से आपको क्लियरली दिखा रहा है आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस क्वेश्चन इज क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है ना यार, ये लोग एंग्लो ईस्टर्न वाले इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं, कई सारे स्टूडेंट से करवाए यार मेरे, ठीक है। तो अभी कल ही दो बच्चों का इंटरव्यू हुआ है, दोनों ने क्लियर भी कर लिया है, और वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन करवाए गए, सो गेट रेडी फॉर दैट, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है सारे क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। तो एक लाइन है जो कि इन पॉइंट से पास कर रही है 1.5 एंड 3.9, यहां से पास कर रही है, ठीक है, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। अब एक और दूसरी लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रही है, 0.-2 से पास कर रही है। वो बोल रहा है हमें ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट, तो ये वाला फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। या तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल लो और लाइन की इक्वेशन निकाल करके सिंप्लीफाई कर लो, या फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइन की इक्वेशन निकाल लें, ये वाली लाइन की इक्वेशन बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म, कैसा बोलेंगे कि वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम निकालेंगे तो 9-5 3-1 x-x1, तो ये आ जाएगा y-5 इक्वल टू 2 टाइम्स x,
ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, लाइन की इक्वेशन। दूसरे की निकालनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लाइन नंबर वन का स्लोप टू है तो इस लाइन का स्लोप माइनस वन बाई टू आ जाना चाहिए। तो यहाँ से निकालोगे तो y इक्वल टू ये y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस, यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। या और क्या किया जा सकता है इस पे, तो इसका एक तरीका ये भी है कि ऑप्शन उठाओ और देखो कि कौन से पॉइंट से इनका स्लोप सेम आ रहा है पॉइंट फॉर्म यूज करके, और इसका स्लोप जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस वन आता है, वहां से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। देन वी आर गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इक्वल a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो ये बहुत सिंपल है यार, यहां से अगर आप देखो तो पहले वाले रिलेशन को ही बना, x अपॉन a क्या आ जाएगा, आ जाएगा cos क्यूब थीटा। अगर मैं क्यूब रूट ले लूंगा तो x अपॉन a पावर 1 बाई 3 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos, और अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो x अपॉन a पावर 2 बाई 3 क्या आ जाएगा, cos थीटा। इसी तरीके से अगर आपने सेकंड रिलेशन को सिंप्लीफाई किया तो y अपॉन b पावर 2 बाई 3 ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सब के सब एंग्लो ईस्टर्न में पूछे जा चुके हैं रिसेंटली। अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से कर पा रहे हो तो आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन श्योरली मिल जाएंगे वहां पे जाकर के एज इट इज। एंड आई होप दिस इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट, Which of the following number suits the x mark position in the given series? Series find out करनी है। तो देखो series simple है यार। ये अगर आपको दिख रहा होगा 6581 लिखा है, या कुछ ऐसा लिखा हुआ है 61। दूसरा है 81, तीसरा है x और ये है। ये actual में series कैसे बन रही है? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 square है, यानी कि 9। यहाँ पे 9 square है 81, और यहाँ पे 81। Simple सी बात है कि यहाँ पे answer होना चाहिए और 9 होना चाहिए, और बहुत ही इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था अपने को। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो बता देता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ। इसमें उसने बोला है कि दो सर्कल दिए हुए हैं, बाहर एक पॉइंट है पी, यहां से हमने एक टेंजेंट आउटर सर्कल पे बनाई है, और इसका लेंथ इसने लिखा हुआ है 4, अंदर वाले का जो रेडियस है दैट इज 3, छोटे वाले का जो रेडियस है दैट इज 2, और यहां से पी आर नाम की एक टेंजेंट इसने छोटे वाले से बनाई, और ये वाली बनाई है बड़े वाले से, और ये ओपी इसने वो दोनों का ही सेंटर। तो देखो हमें अच्छी तरीके से पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 4 और 3 पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी 5, और इसी तरीके से यहां पे भी ये 90 डिग्री। अब हमें पी आर फाइंड करना है, यानी x, तो हम x कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है, दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और क्वेश्चन फटाफट आपको सॉल्व होकर के मिलेगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब रीसेंट क्वेश्चन, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। Now we are going for the next question, that is 1 by x plus 4 by 5x equal to 2 upon 5 plus x, और यहां से हमें x का value calculate करके निकालना। तो ये x का value calculate करके निकालना is not a big deal, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। यहां पे LCM ले लो तो ये आ जाएगा 5x square, इधर आएगा 5 5x square, it is only 5x, not 5x square, this is only 5x, so इधर आएगा 5, और already यहाँ पे एक 4 दिया हुआ था, इधर था 2 और इधर था 5,
ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इट विल बी 9 इंटू 5 प्लस एक्स इक्वल टू इधर 2 इंटू 5 एक्स दैट इज 10 एक्स, तो 45 प्लस 9 एक्स इक्वल टू 10 एक्स आ रहा है, तो यहाँ 10 एक्स, तो यहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा 45। जो भी बच्चे आज का लेक्चर देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं और अगर इनका नियर फ्यूचर में एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम है, क्योंकि ये जो पेपर मैं करा रहा हूँ ये एंग्लो ईस्टर्न का ही पेपर था, ये एमा का पेपर है रिटन का, अगर आप अभी देख रहे हो तो होपफुली आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन द इक्वेशन y इक्वल टू, यहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स प्लस 7a डिवाइडेड बाय x माइनस a स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, और वो पूछ रहा है कि x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना है। तुम खुद सोच करके देखो यार, कितने आसान आसान क्वेश्चन है, x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना है, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वाई एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई आ जाएगा x प्लस 7a, फिर x के टर्म एक साइड में रख लो क्योंकि हमें x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो x के टर्म एक साइड रखते हैं तो ये रखे आ जाएगा वाई एक्स, ये वाला x उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स, ए स्क्वायर वाई को इधर ले आओ, ए स्क्वायर वाई प्लस 7a, इन दोनों में से x कॉमन निकालो तो इट इज y माइनस 1, और यहाँ आएगा ए स्क्वायर वाई प्लस 7a, तो अगर आप x देखोगे तो इट विल बी ए स्क्वायर वाई प्लस 7a कॉन वाई माइनस, ये आ गया आपके पास करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी आसान क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करते हुए जा रहे हैं हम लोग, और सबको ये भी पता चलता जा रहा होगा कि कितने आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। और अभी भी मेरा सजेशन ये है, आप सभी लोगों को जो भी इस तरीके के पूरे पेपर सॉल्व करना चाहते हो फुल सोल्यूशन, तो ये फुल सोल्यूशन मैंने वहां पर डाल दिया है अपने प्रज्ञा कोर्सेज में, यू गाइस कैन गो देयर, और अगर कुछ डाउट होगा तो डाउट के लिए भाई वहां पे एक नंबर दिया है मैंने 9140191138, इस नंबर पे कॉल कर लो, कपिल भैया मिलेंगे, सारी चीजें समझा देंगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर दिखाया गया है और इस सिलेंडर में दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ई और ये वाला पॉइंट है एफ, ठीक है, ए बी इज द डायमीटर, तो सिलेंडर का जो बेस है उसका डायमीटर है ये ए बी, ये उसका डायमीटर हो गया, ठीक है भाई। वो बोल रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द नियरेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे ए ई का लेंथ जो है, यानी कि ये वाला लेंथ जो है ए ई, ये दिया हुआ है 10 यूनिट्स, और एंगल जो ए ई एफ है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये तो होगी भाई रेडियस, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाऊंगा साइन 30 डिग्री, ये क्या आ जाएगा आर बाई 10, क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, तो 1/2 इक्वल टू आर बाई 10 लगेगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, अब आपको रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया तो वॉल्यूम निकालोगे तो वो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा हमारे पास एच नहीं है, आर तो आ गया है ये वाली लेंथ है लेकिन एच नहीं है, तो एच निकालने के लिए आप कॉस थीटा लगा लो, तो कॉस 30 डिग्री लगाओगे तो आ जाएगा बेस यानी कि एच अपॉन 10, ये होता है √3/2, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 5√3, तो जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास क्या है पाई 22/7 या 3.14 डाल दो, आर स्क्वायर यानी कि 25 और एच का वैल्यू कितना है 5√3, तो हमें बस इसका वैल्यू निकालना है, अप्रॉक्सीमेटली देख लो कि कौन से इंटीजर के पास जा रहा है, और अगर आप इतना निकाल लोगे तो इससे ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे वो 15 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो मुझे आज आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने थे, जो मैंने अभी डिस्कस करके बता भी दिया है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। आगे यानी कि आज कौन सा दिन है ट्यूजडे है ना, ट्यूजडे के बाद दूसरा लेक्चर जो होगा वो होगा थर्सडे को हम लोग इसी तरीके के फिजिक्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि या तो एंग्लो ईस्टर्न के हों या फिर ग्रेट ईस्टर्न के हों, इनमें आए हुए क्वेश्चन जो होंगे उनको हम यहाँ पे आकर के सॉल्व करेंगे थर्सडे को, और सैटरडे को हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के।
आगे आने वाले टाइम में हम लोग और इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, एप्टीट्यूड भी यूज कर सकते हैं। होपफुली जितने लोग भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, जितने भी लोग पढ़ने के लिए आए थे, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे भी आप लोग इस चीज़ में कंटिन्यू करोगे। ठीक है, एक फाइनल बार मैं बता दे रहा हूँ, किसको भी अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक कपिल ने शेयर कर दिया है। ठीक है, कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं यार, 7500 है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड मिल रही हैं, सारे लेक्चर नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज, सारे लेक्चर नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज, सारे पेपर सॉल्विंग स्टडी मटेरियल सब मिल रहा है। तो जस्ट गो थ्रू इट इफ़ यू वॉन्ट, अदरवाइज अगर आपके पास एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। घर पे रहो, पढ़ाई करो, ढंग से जान लगा कर पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। मैं ट्राई करूंगा इस तरीके के क्वेश्चन, जो भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है उसको आइडिया लग चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से और क्वेश्चन सर्च करो, कुछ और डाउट होंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, अब आगे मिलेंगे हम लोग।